आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो निकाल चुका है 12th केमिस्ट्री का एमसीक्यू में, ये पार्ट टू है। पार्ट टू में पहला क्वेश्चन है कि चार धातुओं ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट, +0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं और हमारा जो सही आंसर है वो दूसरा है कि बी इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन ए। दूसरा क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा घटती है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक होता है मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अर्थात आंसर हमारा तीसरा सही है। यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, किस समीकरण का पालन करती है? के बराबर 2.303/T log बेस 210 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये जो अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र है कि शून्य कोट की अभिक्रिया का एक समीकरण है कि द्वितीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण है कि तृतीय कोट की अभिक्रिया का समीकरण है। तो ये जो हमारा समीकरण है ये प्रथम, इसका है ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का ये समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में क्या संबंध होता है? तो चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को K से दिखाते हैं, अर्ध आयुकाल को टी हाफ से दिखाते हैं, टी हाफ। तो जो संबंध होता है वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में जो संबंध होता है वो टी हाफ बराबर 0.693/K। इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। चार विकल्प दिए हुए हैं और चारों विकल्प में से हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सही है, सेकंड इनवर्स। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, पहला ऑब्जेक्टिव मेरा सही है। यदि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का 90% 90 मिनट में पूर्ण होता है तो इसके 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा 30 मिनट, 36 मिनट, 50 मिनट, 27 मिनट। इसका सही आंसर है 27 मिनट। लगाने में टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव है 27 मिनट लगा दीजिए। किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होगी? शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट। तो किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई माने मात्रक समान होती है? तो वो होती है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। ये दूसरी वीडियो है हमारा एमसीक्यू केमिस्ट्री के, ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने पार्ट वन निकाल दिया है। तो इस पार्ट में हमने दो चैप्टर को कवर किया है, वो पार्ट आपका 3 है वैद्युत रसायन, 4 है रासायनिक बल गतिकी। इसके पहले हमने एक वीडियो निकाला है, उसमें ठोस अवस्था और विलयन, इस तरह दो वीडियो मिलाकर 4 चैप्टर कवर हो गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।